ठीक है ना, तो ये पहला एक कमर तू सारे सड़क पर बैठ लो, सारे सड़क पर बैठ तू जी और लेके ना भी खाना खाओ पड़ेगा, सारा पड़ेगा ना ऊपर सारा पड़ेगा तोड़ा ना लाके सारा दे पर ले लो कोई बात नहीं। ठीक है इन्होंने सारे मुंडे कुटे अभी मेडिकल कराओगे धरना महकमा ना कारवाई जेडे दो मुलाजम सी उन्होंने वर्कराफ ऑलरेडी कर दी गई है। एस एच ओ थाने का मुखी होने करके उन्होंने पुलिस लाइन हाजिर कर दिता। ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੀ ਥਾਣਾ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਦੇ ਆਰੋਪ ਲਗਾ ਕੇ ਬਲਾਕ ਸਮਿਤੀ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖਾ ਨੇ ਪਾਏ ਖਲਾਰੇ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ, ਦੋ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਸਸਪੈਂਡ, ਐਸ ਐਚ ਓ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਲਾਈਨ ਹਾਜ਼ਰ। ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੀ ਥਾਣਾ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਕੜੇ ਗਏ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ब्लाक समिति के वाइस चेयरमैन बलदेव सिंह सुखा वालों आरोप लगाए गए, जिस तो बाद उन्होंने वालों थाने दे विच इस गल नूं लैके हंगामा भी किया गया, इसकी शिकायत उच्च अधिकारियों भी की गई, जिस तो बाद पुलिस के उच्च अधिकारियों वालों इस मामले के जांच शुरू कर दी गई और फौरी तौर पर दो मुलाजमान को सस्पेंड कर दिया गया। इस दे नाल ही फाजिलका थाना सिटी के एस एच ओ मनजीत सिंह नूं लाइन हाजिर कर दिया गया। ब्लाक समिति के वाइस चेयरमैन बलदेव सिंह सुखा वालों थाना सिटी के पुलिस मुलाजमान से कई गंभीर दोष लगाए गए हैं, जिस तो बाद पुलिस वालों इस मामले की जांच शुरू कर दी गई है। उधर जानकारी देते हुए फाजिलका के एस पी अजय राज सिंह ने दसा कि दो कर्मचारियों सस्पेंड कर दिया गया, एस एच ओ लाइन हाजिर कर दिया गया है, मामले की जांच की जा रही है। जस्सा मुंडा नाम का अंदर है, ओनू कुट के पूरा हाल उन्हें किया, उन्होंने कहते तू मन फलाने का नाम मन, फाने का नाम मन, फलाने का नाम मन, इन्होंने पंजाब बंदे जस्सा विच फड़िया हुआ, इन्होंने कहते तू बंदे नजायज पा, इन्होंने की है इन्होंने एक इतने गंद पाया हुआ पूरा सिटी थाने दे विच, यह मेरे कले तो नहीं है, इन्होंने खिलाफ सौ बंदा खड़ा होगा, मैं तो गवाह दे दूंगा। यह बलकार के दम से बलकार ए एस आई है, वह दोनों सिपाही है, इन्होंने गंद पाए, इन्हें मुजरम बनाया हुआ, असं यह चाहे उस बंद ने कुटिया क्यों, उनके बंद का निशान है शरीर से, असं मेडिकल करावे, असं कोर्ट के पेश होवे जज के सामने, मैं वकील गल कर लिया, मैं कोर्ट जाकर खुद पेश होवे जज के कि एक मुजरम से परचा है, परचे ना तुझे अंदर अरेस्ट करता, उन्होंने कहीं कोड़े पेकर कहानी खत्म है, कुटन का कोई उन्होंने अधिकार नहीं पूछता कि उन्होंने कुट के बुरा हाल करता। की लगता वह भरा है मेरा जी, मेरा रिश्तेदारी भरा है। आरोप की है आरोप से कोई लड़ाई पहला हुई थी, वह भी बेगुनाह है, उसे एक आपसे यारी दोस्त थी, वो लड़े थे, उन्होंने 325-26 का कहते परचा है, वह मन गया कि वाकई इन्होंने हो सकती लड़ाई, वह पहला भरा कटे से, उस लड़ाई हुई है, उनके हो पुलिस ने गलबात की, चलो जो सा बैठ के इन्होंने हो जाए ठीक है, पुलिस शनिवार चक के लियाई है बंदे, शनिवार तो लैके अज तक इन्होंने बहुत ज्यादा कुटिया है, इन्हें एक धंधा बनाया पिछे कचहरी के अंदर एक दुकान हैगी, ने की कंध पाया है, जेड़ा मुजरम लियाणगे उन्हें कुट के, यह सारी पुलिस गवाह है, सारी पुलिस को पता है, यह पुलिस अज मने ना मने, छोटे लैके वड्डे अफसर तक इन्हें पता है कि वह राजू दरनेश कुट मार के पैसे वसूलते सारे को। ਤੁਸੀਂ ਸੱਤਾ ਚੋ ਤੁਹਾਡੇ ਐਮਐਲਏ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਐਮਐਲਏ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਐਮਐਲਏ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ, ਐਮਐਲਏ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਮੈਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਗਿਆ, ਐਮਐਲਏ ਸਪੈਸ਼ਲ ਨੇ ਦੋ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੁੱਟ ਮਾਰ ਬੜੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਲੁੱਟਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮੈਂ 50 ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕਿਆ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣੇ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਦਲੀ ਨਾ ਦੇਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਬਦਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਕਰੇ ਉਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹਦੀ ਵੈਲਡਿੰਗ ਰਾਜੂ ਦੀ ਤਰੇਸ਼ ਦੀ ਵੈਲਡਿੰਗ ਹੈ ਅੱਜ ਦੇ ਡੇਟ ਵਿੱਚ। ਇਹਨਾਂ ਜੀ 7-3-21 ਨੂੰ सिटी फाजिलका पुलिस स्टेशन के एक FIR नंबर 35/21 रजिस्टर्ड की गई सी, 326 का केस है, उस मेन मदई सगा दिनेश कुमार,
एंड रमनदीप सिंह उन्होंने टोटल 13 बंद एफ आई आर रजिस्टर्ड कराई ने 8 नौन बंदे अननोन ने उन्होंने एक बंदा कुछ देर पहले अभी अरैसट किया होगा कल एक कैप्टन नाँ के मुंडे अरैसट करने लिए पुलिस गई थी वो वांटड सूँ इस मुकदमे के जी सत्ताधारी पार्टी है वो कह रही आ कि भी यह बंदा इस मुकदमे है नहीं सगा उसनों वेरीफाई करने के दौरान ही इन्होंने दो मुलाजमान के उत्ते इल्जाम लाया कि भी इन्होंने उसकी कुटमार की आ उस तो बाद मैडिकल करवाया गया जे तो महकमा कार्रवाई जोड़े दो मुलाजम से उन्होंने वर्खराफ ऑलरेडी कर दी गई आ इस तो इनवैसटीगेशन के दौरान जो कोई होर गल सामने आई तो वो बारे भी बिल्कुल निश्चित रहन सारे जने सही कार्रवाई की जाएगी। एस एच ओ थाने का मुखी होने करके उन्होंने पुलिस लाइन हाजिर कर दिता भी वो एक रिस्पोंसीबिलिटी बनती थी कि जो किसी दोषी तुसी पुलिस स्टेशन लैके आने तो वह फर्ज बनता उन्होंने वेरीफाई करके अगली कार्रवाई अमल च लिया। डिपार्टमेंट इलेक्शन जो लिया किस हालत लिया वो सत्ताधार ने इल्जाम लाए थे कि जोड़ा बंदा कैप्टन आला लैके आए भी कुटमार हुई आ तो वह मैडिकल करवाया जाए भी ये इस मुकदमे तू नहीं लड़ेंदा पर साड़ी एफ ई आर के अकॉर्डिंग सानू वह बंदा लड़ेंदा सीगा इस करके उन्होंने लैके आए हैं उस बंदे दे उन्होंने दोष लाए ने कि इस बंदे ने इन्होंने पुलिस ने कुटमार की आ पर पुलिस ने कन्फर्म कर रहे हैं जो कुटमार की हुई वैसे उस तो पहले असी डिपार्टमेंट एक्शन ले लिया उन्होंने दो बंदे के बार खिलाफ जेडे उन्होंने लैके आए थे इनवैसटीगेशन चल रही है जी ऑलरेडी।